नमस्कार दोस्तों, मोजी नए विलाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो कई बंदे ने मुझे अभी कमेंट किया था, कल भी कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि भैया आप डीजे की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे एक नोटिस आया है, वहाँ पे डीजे ने अपना एक नया रूल लाया है 24 अक्टूबर 2018 को, शायद से उन्होंने रूल लागू किया है, वहाँ पर आप जाके पढ़ें कि क्या है, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने वहाँ पर अभी जाके मैंने देखा, आर्टिकल वहाँ पर लिखा हुआ था, डीजे ने एक नया आर्टिकल डाला है जो कि उसने ये लिखा है कि जो भी आप कोर्सेज करते हो, आप जीपी रेटिंग करते हो, बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो, डीएनएस करते हो, जो भी बीटेक क्लास में इंजीनियरिंग करते हो, जो भी कोर्सेज प्री सी ट्रेनिंग कोर्स करते हो आप लोग, तो जो जॉब होगी वो कॉलेज की गारंटी होगी कि कॉलेज को दिलाना है। क्योंकि उन्होंने ये बोला है, डीजी ने अपने स्टेटमेंट में ये लिखा है कि कई लड़के होते हैं जो कि मोचने भी लाइन में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं रहती कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, वो लोग भटकते रहते हैं और उसके बाद कोई और प्रोफेशन में भी नहीं जा सकते, उनका करियर वहीं पर रुक जाता है कि अब क्या करें, आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ाई की है, उसके बाद अगर कोई और फील्ड में जाएंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो अब डीजी अपना जो रूल है वो क्लियर करता जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि जो भी कोर्सेज आप कर रहे हो, जो भी मैरिन टाइम इंडस्ट्रीज है, जितने भी कॉलेजेस हैं जो डीजी के अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे जब आप मतलब क्लियर कर जाओगे वहाँ का जो भी पेपर वगैरह है, जो भी क्लियर कर जाओगे जो एंट्रेंस है, उसके बाद वो जब भी आप पास आउट हो गए, जब सीडीसी आपकी मिल जाएगी वहाँ से, तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो इस साल से नहीं है क्योंकि इस साल का बैच तो चल रहा है, अब अगले साल से जो भी बैचेस स्टार्ट होंगे 2019 से, जो भी बैच जो भी कोर्सेज करोगे, जो भी बैच स्टार्ट होगा, तब से नेक्स्ट ईयर से मुझे लग रहा है ये रूल लागू कर देंगे। क्योंकि अभी तो बच्चे कर रहे हैं और जो बच्चे भी पास आउट होंगे शायद से उनके लिए भी लागू हो जाए, क्योंकि अभी इन्होंने डाल दिया, क्योंकि कई बंदों को जॉब नहीं मिलती है, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं मार्केट में, तो वो बढ़िया है। अगर ये सब देख रहे हैं डीजी वाले, ये सब रूल लागू कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए भी जो भी कोर्सेस कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा नहीं रहेगा कि हाँ भैया जॉब नहीं मिलेगी फिर क्या होगा, बैठ जाएंगे फिर क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें होती है। कई बंदे इस लाइन में आते हैं, पहले दिमाग में ये आता है यार जॉब ही नहीं मिलेगी क्या होगा, लेकिन अभी ये जो डीजी जो नए नए रूल ला रहा है वो बढ़िया है, बंदों के लिए बढ़िया, जो नए लड़के हैं उनको आने चाहते हैं इस लाइन में, तो उनके लिए बढ़िया है। और 24 अक्टूबर को लागू हुआ, मैं इसका फोटो जो भी है खींच के लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, जो भी कन्वेंशन जो भी चेंजेस लाए हैं 24, वरना आप डीजी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे जाके आप नोटिस में देख सकते हो, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो सिंपल यही है कि जो भी कॉलेज से आप करोगे, आप ट्रेनिंग जो भी कॉलेज में जाओगे, तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। अगर वो नहीं प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, मतलब ले लेते हैं और नहीं प्रोवाइड करते, तो डीजी उनके खिलाफ एक्शन करेगा। जो भी कॉलेज है, जो भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है पूरे इंडिया में, वो है अच्छा चेंज कर दिया उन्होंने, और ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, और जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो जो भी होगा, मेरे को कमेंट करना, एक छोटी सी वीडियो बनाई, कई बंदे कमेंट कर रहे थे, सो आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।